श्री शिवाय नमस्तु भियम हर हर महादेव। दर्शकों, 13 जुलाई के दिन पड़ रहे कामिका एकादशी, जी हां, कामिका एकादशी के दिन हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही से महत्व माना जाता है। पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी के अनुसार आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एकादशी के दिन किए जाने वाले उपाय बताऊंगा, जिस उपाय को करने के बाद आपके कितने भी बुरे समय चल रहे हो टल जाएंगे, आपको धन की प्राप्ति होगा, आपके जो दुकान धंधे बंद पड़ गए हैं वह भी फिर से चलने लगेंगे। यानी कि इस एकादशी को कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। नाम से स्पष्ट है, कामिका अर्थात हमारे सभी प्रकार के कामना को पूर्ण करने वाला। तो अगर आप भी भगवान विष्णु जी के परम भक्त हैं, भगवान विष्णु को मानते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये फिर जय भगवान विष्णु लिखना। आइए इस वीडियो में जानते हैं ऐसी कौन सी उपाय किया जाए एकादशी के दिन जिसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो, क्योंकि भगवान विष्णु जी को पालनहार कहे गए हैं। किसके किस्मत में कितना धन देना ये निर्णय भगवान विष्णु जी करते हैं। तो किसी भी एकादशी के दिन यह उपाय करना है, आपके घर में तुरंत खुशियां आएगी। पूज्य गुरुदेव पंडित मिश्रा के अनुसार उपाय बताऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि आपको 5 चीज लेना है। इस उपाय को करने के लिए क्या क्या चाहिए? पहला चीज चाहिए आपको, थोड़ा सा पहला चीज लेना है, वो है खड़ा धनिया। जी हाँ, एकदम साबुत खड़ा धनिया आपको लेना है। थोड़ी सी मात्रा में, कम से कम 21 से 25 दाने के बीच में आपको खड़ा धनिया लेना है। इसके बाद आपको दूसरा चीज लेना है 5 सुपारी, एकदम साफ और स्वच्छ 5 सुपारी आपको लेना है। इसके बाद इस टोटके को करने के लिए आपको क्या तीसरा चीज, वह है 5 फूल, यानी कि आपको कोई भी लाल या पीले कलर का 5 फूल लेना है। फूल भी एकदम साफ होना चाहिए, कटे फिटे नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपको चौथा चीज लेना है। चौथा चीज क्या लेना है? 5 बेलपत्रा। 5 बेलपत्र आपको ऐसे लेना है, जो बेलपत्र एकदम साफ हो, स्वच्छ हो, कटे फिटे नहीं होना चाहिए, एकदम स्पष्ट, साफ एवं अच्छे दिखना चाहिए। इसके बाद आपको एक लेना है लाल कपड़े। अब आपको करना क्या है, इन सारे चीजों को लाल कपड़े में डाल देना है। आपको एक पोटली बना लेना है। इसके बाद इसे पूरी तरीके से आपको अपने घर से 7 बार घुमाना है। जी हाँ, आपको अपने पूरे घर में इसे रख कर के 7 बार घूमना है। और घूमने के बाद मन में यही बोलना है, मन में यही कामना है, करना है कि हमारे घर में लक्ष्मी प्रवेश करे, हमारे घर के कुल लक्ष्मी को भगवान विष्णु जी हर ले, हमारे गरीबी को मिटाए, हमारे निर्धनता को मिटाए। या फिर अगर आपको पुत्रा की कामना हो या भी जिस भी की कामना हो, वह कामना बोलते हुए अगर इस पोटली को किसी भी जाकर के भगवान कृष्ण के मंदिर में छोड़ करके आ जाते हैं, अगर भगवान विष्णु जी के मंदिर में छोड़ करके आते हैं। यहाँ पे मैं कृष्ण जी के मंदिर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अधिकतर भगवान विष्णु जी के मंदिर नहीं मिलते, तो उन्हीं के स्वरूप जैसे कि भगवान राम, भगवान कृष्ण उसके मंदिर में छोड़ करके आ जाते हैं, या फिर ये दोनों के मंदिर नहीं मिलते तो उनके भक्त हनुमान जी के मंदिर में छोड़ करके आ जाते हैं। तो इस उपाय से माना जाता है बड़ी से बड़ी इच्छा की होती है, बड़ी से बड़ी हमारी जो कामना है वो पूर्ण हो जाती है, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। उपाय एक है लेकिन फायदे अनेक हैं। जिस भी कामना को लेकर के यह उपाय करेंगे वह कामना निश्चित रूप से अभी के पूर्ण होगा, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। वीडियो समाप्त करने से पहले, अभी तक वीडियो लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।